हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फिल्मोरा की कंप्लीट एडिटिंग सीखने वाले हैं। ये एक वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप फिल्मोरा पे कभी एडिट ना कर पाए। एक वीडियो आपने देखनी है जिसमें हम कंप्लीट फिल्मोरा का कोर्स करने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आपको मैं हर चीज़ समझा दूंगा। और ये जो है ना 20-25 मिनट की वीडियो में आप ए टू जेड सब समझ जाएंगे कि भाई आपने फिल्मोरा पे किस तरह से एडिट करना है, किस तरह से फिल्मोरा को चलाना है। और अब जो है मैं कंप्लीट जो है फिल्मोरा का कोर्स आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल ए टू जेड। आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। इंशाल्लाह ये एक वीडियो देखने के बाद आप फिल्मोरा के उस्ताद बन जाएंगे, ठीक है, एक्सपर्ट हो जाएंगे। ईजिली आप जो है ना हर किस्म की एडिटिंग कर पाएंगे। तो मैं भी तकरीबन अपनी हर वीडियो फिल्मोरा से एडिट कर रहा हूँ। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि भाई एडिटिंग किस तरह से होने वाली है। तो ये जो है फटाफट मैंने अपना फिल्मोरा को ऑन कर लिया, और ये थोड़ी सी लोडिंग के बाद जो है ऑन हो रहा है, बस हो जाएगा। तो यार ये मैंने अपने फिल्मोरा को ऑन कर लिया, तो बस ये जो है लोडिंग कम्प्लीट होते ही ऑन हो जाएगा। ये इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई स्पेक्स का कंप्यूटर नहीं चाहिए होता, बस नॉर्मल में भी ये चल जाता है, हर तरह के वर्जन में चल जाता है। हाँ कुछ हैं बीच में कि मतलब अगर आप बहुत हैवी वीडियोस में ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट ये अर्थ आपके लैपटॉप कंप्यूटर किसी में भी इजीली रन हो जाएगा। ये प्रीमियर प्रो की तरह नहीं है कि मतलब स्पेसिफिक स्पेक्स हो तभी चलेगा, या मतलब 6 GB रैम हो या ग्राफिक कार्ड हो, ये इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड वगैरह है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। खैर तो यहाँ पे जो है ना ये सबसे पहले जो मेरे पास इंटरफेस शो हो रहा है ये फिल्मोरा का हिस्सा से हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसका आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा दीजिए सेलेक्ट प्रोडक्ट रेशो, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना डिफरेंट जो है ना साइजेज आ गए हैं वीडियो के। तो ये 16:9 जो होता है ना, ये लिखा है वाइड स्क्रीन, तो ये ज़्यादातर जो है यूट्यूब वगैरह जो है ना ये यूट्यूब का है साइज़ यूट्यूब के लिए, और नॉर्मली मूवीज़ में भी यही साइज़ यूज़ होता है। उसके बाद आप देखेंगे 1:1 है इंस्टाग्राम का, ठीक है। 9:16 पोर्ट्रेट है, ये है टिकटॉक वाला, इसके आगे इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। बहरहाल ये पोर्ट्रेट होता है जो जैसे टिकटॉक वाला साइज़ होता है। 4:3 स्टैंडर्ड जो है ये नॉर्मली फेसबुक का साइज़ होता है, और मुख्तलिफ और भी जो है प्लेटफॉर्म्स उनमें भी यूज़ होता है 4:3, ठीक है। उसके बाद 20:9 जो है सैनमा, आगे सैनमा लिखा भी है, मतलब ये कि बहुत ही बड़ा साइज़ होता है और बहुत ही मतलब वाइड सा होता है, अजीब सा होता है। खैर हमारे केस में हम YouTube के लिए 16:9 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ न्यू प्रोजेक्ट लिखा है और ओपन प्रोजेक्ट लिखा। अगर ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास जितने प्रोजेक्ट सेव हैं, फ़िलहाल तो कोई सेव नहीं है, तो यहाँ पे जो भी सेफ होता है तो ये उसे ओपन कर लेता है, तो फिर कहता है कि जी आप उसे ओपन कर लें। जैसे आप यहाँ पे साइड में देखेंगे मैंने जितनी वीडियोस एडिट की हुई हैं वो सारी साइड में मेरे पास शो हो रही हैं। नहीं सारी तो नहीं कह सकता मैं, कि मतलब कुछ जो है लास्ट मॉडिफाइड जो मतलब रिसेंटली मैंने की हैं वो शो हो रही हैं। सो इसलिए जो है ना मतलब कि यहाँ पर थोड़ी बहुत शो करता है, तो ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करने से ये सारी शो कर लेता है। अब तो फटाफट में जो है ना न्यू प्रोजेक्ट करके ना, तो इसे 16:9 सेलेक्ट करके न्यू प्रोजेक्ट करूंगा, तो ये मेरे सामने एक इंटरफेस हो गया। सो अब क्या करना है? अच्छा जी, ये जो पॉपअप है इसे इग्नोर मारेंगे हम, सबसे पहले इसे बंद कर लेते हैं। अच्छा अब ना मैं यहां से मार्क कर लेता हूं ताकि आपको मार्क करके दिखाता रहूं। अच्छा तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, हमारे पास 4 पैनल्स हैं जो मेन पैनल्स हैं शो रहे हैं। सबसे पहले पैनल नंबर 1 इसको नाम देंगे, इसको नाम देंगे जी पैनल नंबर 2, और इसको नाम देंगे पैनल नंबर 3, ठीक है। और ये जो है हमारा पैनल नंबर 4 है जी, लेकिन फ़िलहाल मैं 4 को निकाल रहा हूँ, सिर्फ 3 रख रहे हैं हम, 1, 2 एंड 3। हमारी टोटल एडिटिंग जो है यहाँ पे, ये हमारे उसके जो है मेन पेजेस हैं। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ जी, ये वाला जो पैनल नंबर 1, यहाँ पे हम कोई भी ड्रैग योर वीडियो क्लिप इमेज ऑडियो हेयर और क्लिक टू इम्पोर्ट, तो यहाँ से हम जो भी अपनी जो वीडियोस है फाइल है जो भी है जो हमने एडिट करना है, अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, सॉरी अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे फोल्डर को खोलता है, और यहाँ से ना कोई भी मैं वीडियो एडिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये तस्वीर उठा लेता हूँ। सो अगर मैं कोई भी चीज़ एडिट करना चाहता हूँ तो वो सबसे पहले मैं इस पैनल पर एक्सपोर्ट करूँगा, या फोल्डर से उठा के ड्रैग करके भी ला सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मेरे पास ये इमेज है और मैं इसे ड्रैग करके फिल्मोरा में ले जाता हूँ, तो यहाँ पर ये इस तरह से भी आ जाएगी, ठीक है। ये पैनल ये शो करेगा। उसके बाद जो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो है हमारी टोटल एडिटिंग दिखाएगी कि क्या एडिटिंग चल रही है, क्या चल रहा है, किस तरह से कितना बन गया। और ये जो पैनल्स हैं, अब यहाँ पे ये जो पैनल नंबर 3 है इसको आप गौर से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पे जो है YouTube टाइप का साइन बना हुआ है, वीडियो का यानी कि,
और यहाँ पे म्यूजिक का साइन बना हुआ है ऑडियो, यानी यहाँ से ऊपर ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन में जो है आपने वीडियोस को ऐड करना है, यहाँ पे आपकी वीडियोस ऐड होंगी। अगर आप उसे उठा के नीचे रखेंगे तो वो ऐड नहीं होगी, और अगर ऐड हुई तो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो है नीचे ऑडियोज आपने जितनी ऐड करनी है वो सारी यहाँ से नीचे जाती जाएंगी। सो अब हमने क्या करना है जी, हम पकड़ते हैं ये फ़ोटो, तो जाहिर सी बात है फ़ोटो डिस्प्ले में आती है, तो ये देखें मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, नीचे नहीं जाती, ऊपर जा सकती है नीचे नहीं जाती, तो मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा और ये हमारी स्क्रीन में शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जी दूसरी फ़ोटो मैं इसे भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ड्रैग करूँगा और इसके साथ जोड़ के रख लूँगा, तो ये जो है हमारी दो फ़ोटोज़ ऐड हो गई हैं। अब जो है बात कर लेते हैं इन टूल्स की, इन टूल्स में क्या क्या है और किस तरह से काम करता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैं, हमारे पास मीडिया का ऑप्शन है, ये सेलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे, जो है ना ये मीडिया, ये हमारा मीडिया है, तो ये फोल्डर जो भी हम ऊपर से सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो हमारा मीडिया, ये हमारा मीडिया है, मतलब जो भी हमने ऐड किया हुआ है। उसके बाद अगर ऑडियो पे जाते हैं, उसके बाद मैं अगर ऑडियो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ ऑडियोज़ हैं जो फिल्मोरा अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा है कि ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये साउंड्स हैं। इसके अलावा आप अपनी साउंड्स भी कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे जो है ना आपको ये सारे ऑप्शंस, आप यहाँ से भी ये ऑडियोज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है जी फिल्म स्टॉक, अगर ये आप फिल्म स्टॉक से उठाना चाहते हैं तो ये जो है पेड है, फिर इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हो। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट, अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहे, अगर कोई मेरा मैंने फेवरेट किया होता, फेवरेट का साइन आ रहा होता है, वो भी आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे शो रहा होता। अभी कुछ शो नहीं हो रहा टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं इंक्लूडेड पे जाऊँगा, यहाँ लिखा है 276 टैग, तो ये जो है ना मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब मुझे जिस टाइप का टेक्स्ट की ज़रूरत है वो मैं उसे पिक कर लूँगा। और फेवरेट का सीन ये होता है कि यहाँ पे अगर ये देखें, ये दिल का निशान है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अब मेरे चला गया फेवरेट्स में, तो अब मैं फेवरेट्स में जाता हूँ तो ये देखें ये जी आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल है समझना, तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर कोई टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, ये है जी टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैंने जस्ट उठा के ड्रैग किया है नीचे, ठीक है। सो इतना ही सिंपल है, तो यहाँ पे मैं इस फोटो को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जस्ट फॉर समझाने के लिए ये आपको कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कर लेना। अच्छा, अब मैं अब आपको एक और चीज़ समझाऊँ इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट पर डबल क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करने पर ये जो है ना टेक्स्ट की पूरी एडिटिंग का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। सो मैं इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ने वाला कि भाई आपको ये चीज़ समझाता रहूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा। ऊपर देखेंगे आप वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट की को वीडियो फॉर्म में किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास कलर्स हैं और उनके डिज़ाइन बने हुए हैं, जस्ट क्लिक करना है और टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो वो देखें आप चेंज हो गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट का डिज़ाइन चेंज हो गया। उसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर रखना चाहते हैं तो ये जो हैं कलर्स हैं, यहाँ से आप कलर्स रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो यहाँ से मैं अगर कोई फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, तो ये जो है डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। उसके बाद जो ये है जी, इससे आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, और ये जो है साइज़ है टेक्स्ट का, जो आप साइज़ रखना चाहें, जो आपको समझ में आता है कि ये साइज़ ठीक है, तो उस तरह से आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लेफ्ट राइट, इतना तो नॉलेज सबको ही होता है, ठीक है। सो इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं फंसे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ से मैं इसे ओके कर लेता हूँ जी, ये हमारी फ़ोटो है और ये हमारा टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को अब यहाँ पे मेरे पास ये टेक्स्ट यहाँ तक शो हो रहा है, तो मैं इसको लेके एंड तक, वीडियो के एंड तक ले जाऊँगा। सो ये बिल्कुल ही मोबाइल की एडिटिंग की तरह है, अगर आप मोबाइल की एडिटिंग करना जानते हैं फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान है। खैर, आते हैं जी अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जी, नेक्स्ट टूल है हमारा ट्रांजिशन। तो हम ट्रांजिशन पे, अगर मैं ट्रांजिशन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ट्रांजिशन्स का वैसे तो बहुत ही सिंपल फंडा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जी, ये ट्रांजिशन्स होती हैं, ये आपकी जो है वीडियो में जो है मज़ीद जो मूवमेंट्स ऐड करती हैं। सो थोड़ी सी मैं ट्रांजिशन को किसी क्लिप पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट पे डाल देता हूँ। सो ये मैंने ट्रांजिशन उठा के अपने टेक्स्ट पे लगाई, तो आप देखिएगा टेक्स्ट कैसे मूव कर रहा है, ये लो जी, ये है जी ट्रांजिशन। अगर आपको योर ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसे चेंज करके दिल में बदल देते हैं जी, हमने दिल वाली ट्रांजिशन लगा लिया। सो अब ये है जी दिल, ओहो ब्लैक पे शो नहीं हो रहा, सो हम लगा लेते हैं ये वाली, लगा लेते हैं जी ये ट्रांजिशन लगा लेते हैं, तो ये देखें जी ये ट्रांजिशन है। सो इस तरह से ये आपकी सारी ट्रांजिशन आ जाती हैं, इनमें से आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है जी इफेक्ट्स,
तो यहाँ पे आप इफ़ेक्ट्स फिल्टर्स जिसे कह सकते हैं, इफ़ेक्ट फिल्टर्स आप ऐड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर डाउनलोड का साइन दिखाई दे रहा है तो आप जब क्लिक करेंगे तो ये एक सेकंड के लिए डाउनलोड भी होगा, ठीक है। क्योंकि ये सारा स्टॉक आपके जितना भी ये डाटा, ये आपके पास डाउनलोडेड नहीं होता, ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। सो ये उसके बाद आप नीचे फिल्टर्स में जाएंगे, मज़ीद यहाँ पे देखते जाएंगे, ये सारे फिल्टर्स हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी है एलिमेंट, एलिमेंट्स में जाते हैं जी, एलिमेंट्स का भी जल्दी से समझा देता हूँ जी। ये है हमारे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हमने फ़ोटो को ब्लर करना है या क्या करना है, तो उसमें कोई फायर ऐड करनी है या कुछ करना है, सो उस तरह से ये हमारे एलिमेंट यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फायर उठा लेता हूँ और यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। सो आप देखेंगे कि ये जी फायर एक आ गई है बीच में, मैं इस फायर को यहाँ रख लेता हूँ। सर चलें जी, हमारा एक किस्म का इंट्रो तैयार हो गया, ठीक है। ये फायर है, इसकी मैं थोड़ी सी रेंज बढ़ा, नहीं ये बढ़ेगी नहीं, सो ये फायर है। हाँ, अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि या तो इसकी जो है कंट्रोल आर करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके पास इसका ये रेशो आ जाएगा, तो ये स्लोमो में ऐड हो जाएगा, इसे आप स्लोमो में थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल आर अपने पास सेव कर लीजिएगा, कंट्रोल आर से इसका स्लोमो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ओके कर लेता हूँ, अगर आप रिवर्स स्पीड चाहते हैं तो रिवर्स भी होगी। तो यहाँ पे इसका रेशो बढ़ चुका है, तो आप देखिएगा ये थोड़ा स्लो मोशन में आएगा, ये जी स्लो मोशन में आया और स्लो मोशन में गया। सो अब जो है उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अगर आप लगाते हैं, मैं यहाँ ऐड करता हूँ, तो ये हमारी जो है ना वीडियो को तीन वो दे देगी, और यहाँ पे हम अलग वीडियो डाल सकते हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, सो तीन वीडियोज़ जो है मतलब यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। मतलब अगर आप कोई रिएक्शन वीडियो या कुछ इस टाइप का बना रहे हैं तो ये देखें जी, यहाँ पे आप अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाहूँगा, तो ये आप देख सकते हैं जी, ये मेरे पास एलिमेंट ऐड हो गया। सो ये इस तरह से काम करता है। खैर इसको हम रिमूव करने वाले हैं, ये हमें चाहिए नहीं। सो अच्छा, हमने ऊपर के सारे टूल्स को डिस्कस कर लिया, अब जो है कुछ बेसिक चीज़ों पर आ जाते हैं जो कि आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना आपको तीन साइंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, चार साइंस सॉरी देखने को मिलेंगे। यहाँ से वीडियो पीछे जाएगी, आगे जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, प्ले हो जाएगी और यहाँ से स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये आपके ये वाले साइंस है, ये नॉर्मली हर उसमें होते हैं, हर एडिटर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो साइंस है ये नॉर्मली तो आपके इतने यूज़ में आने वाले नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये जो है आपका वीडियो प्ले का ही साइन है, ये वीडियो सेव का साइन है, ये ऑडियो का साइन है, ये जो है म्यूज़िक का साइन है, ये वीडियो की ये जो रेशो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये आपकी वीडियो की रेशो है। अगर आपका आपका आपने बहुत बड़ी फाइल सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे ऊपर आप अगर ऊपर देखेंगे, यहाँ पे जो है टाइम आपके पास शो हो रहा है कि आपकी वीडियो कितनी है। तो अगर आपकी वीडियो कोई एक घंटे की है या कुछ, तो आप उसे यहाँ से यूँ ट्रैक करके छोटा कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे सब्जेक्ट्स यहाँ पे, मेरे सब्जेक्ट्स इतने छोटे हो गए हैं, तो यहाँ से यूँ ट्रैक करके छोटा कर लेंगे। और अगर आप उसे बड़ा करना चाहते हैं एडिटिंग के लिए, तो आप जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से काम करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारे पास ये भी साइज़ है, इसमें इधर से भी आप जो है ये देखें रेशियो को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी स्क्रीन पे, तो ये हमारे पास स्क्रीन है, ये हमारा रेशियो चेंज करती है, जूम वगैरह की सेटिंग है इसमें, ठीक है। चेंज एस्पेक्ट रेशियो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये रेशो खुल गया। ये कह रहे कि अगर आप इसी एडिटिंग को चेंज करना चाहते हैं, मैं अगर इसे इंस्टाग्राम या किसी और में बनाना चाहता हूँ या कस्टम अपने हिसाब से भी कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं उसकी रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे कितनी रेजोल्यूशन में चाहिए, 1280, 720, 1920, 1080, जितनी मुझे पिक्सल्स में चाहिए, इवन के 4K में भी मुझे ये मिल जाएगा। बट अच्छा रहता है कि भाई आप इसको जो है ना 1280 720 में ही करें। बहरहाल मैं 1920, मेरा तो 6GB का ग्राफिक कार्ड है, सो मैं इसलिए ये वाला यूज़ करता हूँ। खैर आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद है जी फ्रेम रेट, फ्रेम रेट आपका जी कितने FPS आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने केस में 30 FPS करके ओके कर लेता हूँ, तो ये जो है जी यहाँ पे मेरे पास ओके हो गया। इसने फ्रेम रेट चेंज किया है थोड़ा सा, 30 FPS के हिसाब से अपने आपको जो है थोड़ा बड़ा कर लिया, तो मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ओके, सो अब जो है अगर ये सारी एडिटिंग होने के बाद आप ये खैर जो है कैमरे की तस्वीर है, सो यहाँ से आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये स्नैपशॉट लिखा है यहाँ पे, ये हो गया जो भी आपने एडिट किया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से ये वाला पीस जो है ना थंबनेल या कुछ इस तरह का निकला है, सो आप उसे वो कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ,
ओके तो यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर लिया। उसके बाद जो भी आपने एडिट किया उसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन पे और उसे प्ले करेंगे, सिंपल, तो प्ले हो जाएगा। सो ये थी जो बेसिक एडिटिंग। तो मुझे उम्मीद है कि ये एडिटिंग देखने के बाद जो है ना, मतलब आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा और अब आप एडिट कर लेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।